A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your commerce teacher. Today we'll be studying about the first chapter of business environment. Okay, in this सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमर्स का आईएससी का जो सिलेबस है उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, जिसमें यू हैव टू स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट, उनकी मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस उसकी पढ़नी है, जिसमें मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस ये सारी चीजें आएंगी, डायमेंशन आएंगे सारे बिजनेस एनवायरमेंट के, मीन्स कॉम्पोनेंट एवरीथिंग, माइक्रो एंड मैक्रो, जिसका आपको मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, और उसके बाद सॉर्ट एनालिसिस वी विल स्टडी. ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें उसकी लेनी है, कौन से स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं. तो दिस ऑल यू हैव टू स्टडी, इन विच वी हैव टेकन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर वन, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, जिसमें हम लोग इसके इम्पोर्टेंस और इसके फीचर्स भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इसमें क्या दी गई है, दैट बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट होता क्या है. नाउ दिस इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस. बस इतनी सी चीज समझो कि बिजनेस को जो भी चीजें अफेक्ट करती हैं, बी इट गुड, बी इट बैड, बी इट इनसाइड, बी इट आउटसाइड, तो वो सारी चीजें इसी के अंदर ही आती हैं. एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द बिजनेस कैन बी टर्म्ड एज बिजनेस एनवायरमेंट. ठीक है, कुछ छोटे पैमाने पे होती है जिनको हम माइक्रो कहते हैं और कुछ बड़े पैमाने पे होती है जिनको हम मैक्रो कहते हैं. तो यू कैन लर्न एनी आइदर ऑफ दीज डेफिनेशन, कोई भी आप इसमें से पढ़ सकते हो. फर्स्ट थिंग इसमें दी हुई है दैट इट इज अग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशन, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड इफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, की कुछ भी ऐसा जो बिजनेस को जरा सा भी असर कर रहा हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, कोई भी ऐसा फैक्टर हो, तो वो सारी चीजें बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर आती हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, जिसमें फीचर्स में क्या दिया हुआ है, दैट इट इज डायनामिक, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज अनसर्टेन, इट इज मल्टीफेसेटेड, इट इज फार रीचिंग एंड रिलेटिव. हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. क्या लिखा हुआ है इसमें कि ये जितने भी बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, दिस इज अग्रीगेटिव इन नेचर. ठीक है, टोटालिटी इन द सेंस कि वो अग्रीगेट है, बहुत सारी चीजों को जोड़ करके बनाया गया है, जिसमें इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस. वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को एक्सटर्नल है, कैन बी जनरल, कैन बी स्पेसिफिक. कोई एक फैक्टर जो हर जगह एक जैसे लागू होता है, और कोई ऐसा फैक्टर जो एक ही जगह पर ही एक ही एंटरप्राइज के लिए ही बना हुआ है, वो सारी चीजें भी इसी में आती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कि इट इज जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस. नाउ व्हाट थिंग्स कम अंडर दिस, क्या कहा गया है कि जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस. जनरल फोर्सेस जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, ESPL, आप इसको किसी भी टर्म्स में इसको आप रख सकते हो, एंड टी. ठीक है, तो वैसे ये पेस्टल भी हो जाएगा, पेस्ट भी हो जाएगा, PESTL. ठीक, तो ऐसे करके भी यू कैन मेंशन इट. इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट जो इनडायरेक्टली असर करता है बिजनेस एंटरप्राइज को, वो भी इसमें आता है. कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हो गया, कस्टमर्स हो गया, कॉम्पेटिटर्स हो गया, और सप्लायर्स हो गया. ठीक, जो उसको, जो ये छोटे पैमाने पे होते हैं, हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टर्स उसके अलग जैसे होते हैं, कस्टमर अलग, कॉम्पेटिटर्स अलग और सप्लायर्स अलग. तो ये हो जाते हैं स्पेसिफिक फैक्टर जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली अलग है. वो जनरली, ये नहीं कि इन्वेस्टर सब जगह एक ही जैसे या कस्टमर सब जगह एक ही जैसे, इसीलिए इनको दो अलग अलग फैक्टर्स का नाम दिया गया है. फर्स्ट इज जनरल एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक. ओके, देन नेक्स्ट वन इज इंटर रिलेटेडनेस. इंटर रिलेटेड फंक्शन क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दे आर फॉर एग्जांपल ग्रोइंग अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हेल्थ फूड्स एंड हेल्थ रिसोर्ट्स. जितने भी न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पीपल की लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, इन द सेंस की वट एवर फैक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो सब यहाँ पर कुछ एरर है. ठीक, यहाँ जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, वो सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे करके जुड़े हुए हैं, जैसे
अगर हम लोग हेल्थ केयर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो उससे इट विल रिजल्ट इन लीडिंग टू यूज ऑफ मोर ऑफ हेल्दी फूड्स, हेल्थ रिजॉर्ट्स। एग्जाम्पल देंगे, व्हेन यू नो दैट मैदा इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एनी वन हेल्थ, तो वॉट पीपल आर डूइंग, दे आर शिफ्टिंग मोर टू ये मैगी, ऑफ कौन सी मैगी, दैट टू वेज, आटा नूडल्स, ठीक है, तो उसकी तरफ वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है, दैट अगर हम एक चीज के तरफ अवेयरनेस करते हैं तो वो दूसरी चीज, उसकी उसके कारण दूसरी चीज की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अपनी लाइफ स्टाइल्स को पीपल चेंज कर रहे हैं इसी के कारण। देन कम्स कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहते हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, व्हाई, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स जो हमेशा बार बार चेंज होते रहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन है कि हम लोग डायरेक्टली ये चीज जान पाए कि कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी इकोनॉमिक, कोई भी सोशल एनवायरनमेंट का फैक्टर का हमारे डिमांड पर क्या ही असर हो रहा है, ये हम लोग डायरेक्टली नहीं जान पाते हैं। ओके, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, अलग अलग, यू कैन नॉट डिफाइन अलग अलग कि किसी भी एरिया की इनकम इतनी ज्यादा है इसलिए हो रहा है, तो क्या अगर इनकम ज्यादा तो वहां पर सोशल फैक्टर का असर नहीं कर रहा है, आप ये कहना चाहते हो, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स। व्हाई, बिकॉज बिजनेस एनवायरमेंट एक साथ अलग अलग चीजों को का इम्पैक्ट नहीं जान सकता। देन नेक्स्ट वन सेज दैट इट इज डायनामिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक इज समथिंग जो एक जगह पर रुका हुआ है, एंड डायनामिक इज समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बिजनेस एनवायरमेंट स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट रुका हुआ, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन मूविंग। एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड शिफ्ट इन द प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, ये जो है ये बिजनेस के एनवायरमेंटल चेंजेस है। क्या कहा गया है इसमें, दैट डायनामिक इन नेचर, इन द सेंस कि कभी भी अगर कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करता है, या देर इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज बींग डेवलप्ड, और देर इज शिफ्ट इन द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, ये सारे एनवायरमेंटल चेंजेस के ही एग्जाम्पल्स हैं। कि मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये नहीं कि एक जगह हमने देखा कि अच्छा इस एरिया की जो डिमांड है फॉर कंज्यूमर गुड्स वो बहुत ज्यादा है तो वो हमेशा ज्यादा ही रहेगी। नो, दे कैन चेंज देयर डिमांड्स टू सम अदर काइंड ऑफ गुड्स, और वो भी समय समय से बदलती रहती है। देन कम्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या कहता है कि बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स, पर्टिकुलरली अगर कोई चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी या फिर फैशन में, तो दैट अकर्स विच अकर्स वेरी फास्ट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली। वॉट हैज बीन सेड हियर कि बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, वो ये नहीं है कि नियम अनुसार चीजें चलेंगी, इट्स नॉट नेसेसरी। व्हाट इज नेसेसरी इज कि आप उसके बदले जो फोरकास्ट करते हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर जरा सा भी चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में या इन टर्म्स ऑफ फैशन, तो इट विल लीड टू अ डायनामिक चेंज इन द मार्केट, बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। फिर आता है रिलेटिविटी। अब यहाँ पर देखो, इसमें एक ये इससे लास्ट ईयर जो स्पेसिमेन था ऑफ कॉमर्स जो हमने सॉल्व भी करवाया था, उसमें एक पार्ट इसी का ही पूछा गया था, कि शायद एक ब्लैंक पूछा गया था कि बिजनेस एनवायरमेंट का कौन सा ऐसा फीचर है दैट टेल्स कि इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो आपको फोर ऑप्शंस दे दिए जाएंगे ऐसे ही, या फिर आपको डायरेक्टली इन फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा कि कौन सा फीचर है, उस फीचर का आपको नाम बताना है, तो इट विल बी शोन एज रिलेटिविटी। ओके, तो ऐसे करके यू हैव टू स्टडी ईच वन ऑफ देम। देन कम्स दैट इट इज मल्टी डायमेंशनल, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, तो इसीलिए इट इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर।
ओके देन कम्स म्यूचुअल डिपेंडेंस. म्यूचुअल डिपेंडेंस इज कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं वो नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस को भी अफेक्ट करता है. ओके देन नेक्स्ट कम्स इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी सेज दैट इट इज मल्टीफेसेटेड और डाइवर्स इन नेचर. हम बहुत सारी चीजों को इसमें इंक्लूड करते हैं, बी इट इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बी इट माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं. फिर आता है नॉन कंट्रोलेबल. ये जितने भी फैक्टर्स और फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट के, वो कंट्रोल ऑफ अ सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल ही परे होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं, हम कभी भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके देन नेक्स्ट पार्ट इज, ये एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है जिसको आप देख सकते हो कि दीज आर द इनपुट जो बिजनेस एनवायरमेंट में जाते हैं, चाहे ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल और इंफॉर्मेशन. फिर उससे क्या होता है, इट लीड्स टू प्रोसेसिंग, जिसमें ये सारे फंक्शंस आते हैं, और उसके बाद इट लीड्स टू आउटपुट, जिससे हमें ये सारी चीजें मिलती है, और उसके बाद वी गिव फीडबैक. ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से वही साइकिल शुरू होती है, फ्रॉम इनपुट टू प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग टू आउटपुट. और इन सब को जो अफेक्ट करता है, दैट इज द एनवायरमेंट, द आउटर एनवायरमेंट. देन कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, सॉरी बिजनेस एनवायरमेंट. ये छोटा सा एक चार्ट बना हुआ है जिसको आप देख सकते हो कि एक कुछ कुछ चीजें हैं जो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो. लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, ओके, सोशल एक्सेप्टेंस है, देन वीकनेसेस कैन बी डिटेक्टेड अगर आप सोशल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हो. बिजनेस को डायनामिक और फ्लेक्सिबल बना देता है. स्ट्रेंथ्स को हम लोग चेक कर सकते हैं, वीकनेसेस को चेक कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को चेक कर सकते हैं, थ्रेट्स को चेक कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट वॉट बिजनेस चेंजेस आर देयर ड्यू टू बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. जो आपकी किताब, यही जो सी वी गुप्ता वाली बुक है, उसी से आई हैव टेकन. तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दैट अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट विल हेल्प एन एंटरप्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज. ये एक कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो हम आपको सर्कल करवा देंगे. मतलब ये होता है कि व्हेनेवर अ कॉपी इज चेक्ड, आपका वो कीवर्ड इज वेरी मच नेसेसरी, आपने उसको लिखा है, उसको अंडरलाइन किया है या उसको ब्लैक पेन से लिखा है, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, बहुत लेसर चांसेस होते हैं मार्क्स के कम होने के. तो क्या कहा गया है कि अगर आप उस बिजनेस एनवायरमेंट को जल्दी प्रेडिक्ट कर लेते हो या समझ लेते हो कि भाई चेंजेस हो रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, तो उससे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं आप उसको बहुत जल्दी उसका एडवांटेज ले सकते हो. जैसे मारुति उद्योग, इट बिकेम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड अ लार्ज मिडिल क्लास इन इंडिया. जस्ट बिकॉज क्या आपने देखा, इसमें क्या बताया गया है कि मारुति उद्योग को ये चीज समझ में आ गई कि भाई इंडिया में देयर आर मोर ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज, तो उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय एक्सपेंसिव कार्स, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मॉल कार्स का सिस्टम निकाला, ऑल्टो हो गई और उसके बाद छोटी छोटी स्विफ्ट हो गई, तो छोटी छोटी जितनी भी गाड़ियां थी वो, जस्ट बिकॉज की वो मिडिल क्लास फैमिलीज के बेसिक नीड्स के अंदर आ जाती हैं, इसलिए मारुति उद्योग ने क्या किया, उन्होंने ऐसी कार्स निकाली. ठीक है, तो दे वर एट एडवांटेज इन दिस पार्ट. देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल. अर्ली वार्निंग सिग्नल सेज दैट एनवायरमेंट अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल के जैसे काम करती है. इफ अगर कोई फर्म अवेयर है जो भी उसके थ्रेट्स हैं, कमिंग इम्पेंडिंग थ्रेट्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स देम, तो उसको अगर उसको पहले से ये सारी चीजों की हल्की सी भी भनक है, उनको पता है, तो इट विल हेल्प टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट. जो भी नुकसान या हानि उनसे होने वाला है वो उसके लिए वो पहले से ही रेडी रहेंगे. जैसे न्यू फर्म्स एंटर्ड इन द मिड सेगमेंट ईयर्स, ठीक है, थ्रेट, तो मारुति उद्योग ने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्शन किया of its esteem threefold. अगर it they increase in production enabled the company to make faster delivery. उससे क्या हुआ, company captured a substantial share in the market. कि just because उनको पता था कि अगर हमने ये idea लेकर के आए छोटी cars बनाने का, तो उससे end result क्या निकला कि उनको ये समझ में आया कि okay और भी competitors आ रहे हैं, तो now I am ready. What I'll do is कि हम
प्रोडक्शन बढ़ा देंगे अपनी कार्स का, एस्टिमेट लेकर के, पुराना एस्टिमेट लेकर के जो भी पास्ट इयर्स के ट्रेंड्स और डेटा से उनको कलेक्ट करके, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो हम पीपल को टाइमली सामान डिलीवर कर पाएंगे जितनी भी कार्स हैं। और इससे क्या हुआ, लोग जा भी रहे थे टू मारुति उद्योग एंड उसके बाद दे यूज टू परचेज द थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस सेज कि एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एनवायरमेंट को समझ लेते हो तो इट विल हेल्प मैनेजमेंट सेंसिटिव, मेक सेंसिटिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स, कि कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को जो है ये लोग पढ़ पाएंगे। जैसे कि हिंदुस्तान लिवर एंड सेवरल अदर FMCG companies launch small sachets of shampoo and other products realizing the wishes of customers. ठीक है, just because कि not everyone is able to purchase that 180 रुपए की bottle, तो what happens यहाँ पर क्या कहा गया कि इसीलिए when they understood कि okay customer needs that small small parts also sometimes to purchase क्योंकि वो सस्ता पड़ता है and sometimes to कैरी इट समवेयर, कि आप कहीं जा रहे हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू शुड टेक दिस दोस बिगर बॉटल्स, तो आप वो छोटी छोटी बॉटल्स ले जा सकते हो, साशे ले जा सकते हो, एंड इट हेल्प देम टू इंक्रीज देयर सेल्स एज वेल। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो सेल्स थी वो भी इंक्रीज हो गई। ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, कि अगर आप एनवायरमेंट की मॉनिटरिंग कर लेते हो, आप समझ लेते हो कि वॉट इज द एनवायरमेंट ऑल अबाउट, तो उससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना। देन ITC realized that there is a vast scope for growth in the travel and tourism industry. ITC को ये समझ में आया कि यहाँ पर travel और tourism industry में जो है वो बहुत ज़्यादा growth है। Government भी बहुत ज़्यादा keen है इसको promote करने के लिए क्योंकि इसका employment potential ज़्यादा है। इसी के कारण they plan new hotels both in India as well as in abroad. तो इसी सारी चीजों को plan करके what they did कि उन्होंने कुछ strategy बनाई so that they can build new hotels in India as well as in abroad. Okay, then next one says that you can cope up with the changes. Business leaders जो हैं they are expected कि अगर कभी भी rapid changes हो रहे हैं environment में तो उसके साथ वो cope up कर पाएं। In order to decide the direction and nature of change, leaders क्या करते हैं, they understand the aspiration of people. लोग क्या चाहते हैं या कस्टमर क्या चाहता है, क्या वो एनवायरमेंट में देखता है, तो वो सारी चीजें वो पहले से ही उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। और इसी के कारण कंटेम्प्ररी एनवायरमेंट रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग एंड पावर ऑफ पीपल, देयरफॉर बिजनेस लीडर्स जो है दे आर इंक्रीजिंगली डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू एम्पावर द स्टाफ एंड एलिमिनेट प्रोसीजरल डिलेज। और इसी के कारण वो क्या कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको जो डिसीजन है बहुत ज्यादा क्विकली लेने हैं सो दैट दे कैन कोप अप विद द चेंजेस, वो अपने जितनी भी वर्क है वो अपने जितनी भी अथॉरिटी है वो अपने स्टाफ को वो डेलीगेट कर दे रहे हैं। ओके, ठीक है, तुमको ये चीज सही लगती है तो तुम करो ये चीजें। ठीक है, डोंट कम एंड आस्क मी इफ यू फाइंड द थिंग्स दैट इट कैन बी फ्रूटफुल फॉर द कंपनी एज वेल एज इट कैन इंक्रीज द सेल्स। ठीक है, आई विल टेल एज अ मैनेजर आई विल टेल दिस टू माई एम्प्लॉयज, ओके इफ इट इफ यू फील फाइन विद इट यू कैन गो विद इट। ठीक है, ऐसे करके वो अपनी ड्यूटीज को जो है वो अपनी अथॉरिटी को स्पेशली वो क्या करते हैं, वो डेलीगेट कर देते हैं। देन कम्स पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज ये कहती है कि बिजनेस फर्म जो है वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी इमेज व्हेन इट कैन शो दैट इट इज सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द एस्पिरेशंस ऑफ पब्लिक। ठीक है, ये चीज बार बार आ रही है यहाँ पर। क्या इसमें बोला गया है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ICICI बैंक है, दे हैव बिल्ड अ गुड इमेज बाय बीइंग सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू एनवायरमेंटल फोर्सेस। ओके, एवरी टाइम व्हाट हैपेंस, व्हाई ICICI क्रेडिट कार्ड्स आर सो पॉपुलर, क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर क्या मैटर हो रहा है कि दे आर सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स, उनको पता है कि अच्छा लोगों को क्या चाहिए, उनको 10% डिस्काउंट चाहिए ऑन क्रेडिट कार्ड्स ऑल्सो, कि अगर हम पेमेंट करते हैं तो चलो हमें कहीं ना कहीं चीजों से बेनिफिट हो रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी मेरे पास पेमेंट है ही तो हम अभी दे दें, तो क्रेडिट कार्ड्स विल हेल्प कि ठीक है अगर आज पेमेंट नहीं है तो हम उसको 10 डेज बाद भी अपने बैंक अकाउंट से डेबिट करवा सकते हैं।
सेम चीजें रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक ने भी ये सारी चीजें समझी और इसी के अकॉर्डिंग ही दे हैव बिल्ट प्लान. दैट इज व्हाई जियो इज सो पॉपुलर, दैट इज व्हाई आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड्स आर आल्सो सो पॉपुलर. ठीक है, देन लास्ट वन इज कंटिन्यूअस लर्निंग. एनवायरमेंट की एनालिसिस क्या करेगी? इट विल सर्व एज अ ब्रॉड बेस्ड एंड ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स. हाउ? इट कीप्स देम इन टच विद द चेंजिंग सिनेरियोस दैट दे आई हैव नेवर कॉट अनअवेयर. मतलब वो सारी चीजें जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी, सो दैट दे आर नेवर कॉट अनअवेयर कि समथिंग दैट दे सी, एंड उसके बाद वो उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल लर्निंग मैनेजर्स जो हैं, दे कैन रिएक्ट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर एंड इंक्रीज द सक्सेस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. और जैसे जैसे ये सारे एनवायरमेंटल चेंजेस होते जा रहे हैं, व्हाट मैनेजर्स डू, वो एक्चुअल में उन चीजों को लर्न करते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं. एंड देन विद ऑल दोज लेसन्स व्हाट दे डू, दे आर इंक्रीजिंग, दे आर फर्स्ट दे आर रिएक्टिंग इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, इन अ वेल प्लान्ड मैनर, और उसके बाद वो अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है या जो उसका ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उनको भी अचीव करते जा रहे हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग, आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, नेक्स्ट वी विल बी डूइंग द डायमेंशंस और द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग this part, and if there's any other thing you wish to understand from me, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.